सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से टुडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में सुबह से काफी तेजी देखने को मिल रही है। कल की तेजी आज बाजार में रुकी हुई है। ज्यादा तेजी पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। आज बजट के दिन हमें कहाँ निवेश करें जहाँ बजट के बाद भी तेजी रुकी रहेगी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज का स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड। से स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 217 रुपए 35 पैसे पर। स्टॉक ने हाई लगाया 217 रुपए 40 पैसे का। स्टॉक अपने हाई से लगभग 10 रुपए की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 208 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 6.5 रुपए से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो आज के दिन बायर क्वेरेंटी नंबर ऑफ शेयर्स में लगभग 2,85,836 क्वेरेंटी देखने को मिल रही है। तो वहीं पर सेलर्स क्वेरेंटी देखें, बेचने वालों के नंबर्स तो लगभग 12,57,583 क्वेरेंटी है। तो खरीदने वालों के मुकाबले बेचने वालों की संख्या लगभग 4 गुने से भी ऊपर देखने को मिल रही है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 45,06,094 क्वेरेंटी है। तो काफी बड़ी लिक्विडिटी के साथ स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस में गिरावट और स्टॉक के वॉल्यूम में तेजी देखने को मिली है, जिसका सीधा कट बनता है कि स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें, स्टॉक ने पीछे के एक सप्ताह के अंदर 6.5% के टर्न्स बना दिए। तो वहीं 1 महीने में 25%, 3 महीने में 44%, 6 महीने में 31% और 1 साल के अंदर 131% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में काफी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु शॉर्ट टर्म में आज के दिन देखें तो इसे स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इसे स्टॉक में निचले लेवल पर तो काफी बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल 194 रुपीज का 194 रुपीज का स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहां से स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव आता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक ने 217 रुपए का हाई बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक का अभी देखें तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो अराउंड शॉर्ट टर्म में 205 रुपीज पर है। अगर स्टॉक 205 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देते हैं, स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 193 रुपीज पर देखने को मिलेगा। अभी ये स्टॉक वहां से काफी ऊपर रहेगा, तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 205 रुपीज के शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि स्टॉक का वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।